प्रिय छात्रों, आप सभी को गुड आफ्टरनून। आज हम लोग कक्षा 10 में रसायन विज्ञान का जो पहला पाठ है, रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं अभिक्रियाएं क्या होती हैं। आपके दैनिक जीवन में तमाम तरह की ऐसी घटनाएं देखने को मिलती होंगी जिसमें तमाम तरह की क्रियाएँ होती हैं, जैसे दूध का फटना, दूध से दही का बनना, चावल का, भोजन का पकना, सड़ना, ये सभी चीज़ें रासायनिक अभिक्रियाएँ के अंतर्गत, यानी कहीं न कहीं अभिक्रिया हुआ है, उसमें परिवर्तन हुआ है, तभी कोई न कोई परिवर्तन से ही एक नया पदार्थ बनता है। आज हम लोग पढ़ेंगे, चूँकि रसायन विज्ञान पढ़ रहे हैं तो इसमें पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया के बारे में। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, रासायनिक अभिक्रिया कब हुआ है, इसके बारे में हम, पहला है अगर कोई पदार्थ है उस पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन होता है तभी कहेंगे कि उस पदार्थ में रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। अगर उस पदार्थ का रंग परिवर्तन हुआ है, रंग में परिवर्तन हुआ है, तब भी ये कह सकते हैं कि वह पदार्थ में परिवर्तन हुआ है, उसके अंदर रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। अगर उस पदार्थ में गैस का निष्कासन होता है या गैस का उत्सर्जन होता है, अर्थात वह पदार्थ गैस लेता है या गैस बाहर निकालता है, तब भी ये कह सकते हैं कि उस पदार्थ में अभिक्रियाएं हुई हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं हुई हैं, या उसके तापमान में परिवर्तन होता है, तब भी ये कह सकते हैं कि उसमें रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। बात करते हैं अवस्था परिवर्तन में, जैसे कि हम अगर जल हैं, जल डालते हैं जो सामान्य अवस्था होता है या लिक्विड अवस्था में होता है, अगर इसको हम फ्रीज कर दें, फ्रीज करने के बाद यही पानी जो द्रव अवस्था में था, पानी ही सॉलिड अवस्था में बन गया, जिसे हम आइस कहेंगे। इसकी पानी की अवस्था में परिवर्तन हो गया तो हम कह सकते हैं इसकी, इस पदार्थ के अंदर रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। बहुत से परिवर्तन, रंग परिवर्तन होते हैं, गैस का निष्कासन भी होता है, तापमान में परिवर्तन हो जाता है, तापमान परिवर्तन से भी रासायनिक अभिक्रिया में चेंज हो जाती है, गैस का उत्सर्जन से भी रंग में परिवर्तन और अवस्था में परिवर्तन से भी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। बात करते हैं रासायनिक अभिक्रिया के बारे में, रासायनिक अभिक्रिया में होता क्या है। अगर कोई पदार्थ A2 है, अगर वह B2 से रिएक्शन करता है तो 2AB कैसे बना लेता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। A2 यानी A और A के बीच में बंध लगा हुआ है, प्लस B2 है तो B और B के बीच में बंध लगा हुआ है, A और A प्लस B और B के बीच में, यानी जो रासायनिक अभिक्रिया होती है, रासायनिक अभिक्रिया के दाएं तरफ जो लिखा रहता है ये हमेशा उत्पाद कहलाता है, जिसे हम प्रोडक्ट कहते हैं। एरो जो हमारा तीर का निशान रहता है, उसके बाईं ओर जो लिखा रहता है उसे हम अभिकारक कहते हैं। कभी कभी तीर के पहले यानी बाईं तरफ दो या तीन पदार्थ रहते हैं तो उनको अलग करने के लिए बीच में हम प्लस का निशान लगाते हैं, अर्थात ए कोई अभिकारक है, दूसरा बी अभिकारक है, ए और बी आपस में रासायनिक अभिक्रिया करते हैं तो उत्पाद क्या बनाएंगे, एरो के दाएं तरफ देखेंगे ए भी उत्पाद बनाए हैं। उत्पाद बनते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कैसे बनती है, रासायनिक अभिक्रिया कैसे होती है, हमेशा पुराने बंध टूटते हैं, पुराने बंध के टूटने से, नए बंध के निर्माण होने से ही कोई उत्पाद बनता है। जैसे बात करेंगे ए और ए के बीच में, बी और बी के बीच में जो पुराना बंध है, यह बंध टूटता है और टूटने के बाद धीरे धीरे जब ये बंध टूटता है उसी समय एक नए बंध का निर्माण होता है। जैसे जैसे ए और ए के बीच में बंध टूटेगा वैसे वैसे ए और बी के बीच में बंध बनता हुआ चला जाएगा, उसी तरह से बी और बी के बीच में बंध टूटेगा तो एक नया बंध ए और ए बी के बीच में बनेगा, अर्थात हमारा अगला उत्पाद बन गया ए बी और दूसरा बन गया ए बी। हम इसको लिख सकते हैं H2 और Cl2 रिएक्शन करके 2 या Cl गैस बनाती है, अर्थात हाइड्रोजन गैस, क्लोरीन गैस, ये दोनों हमारा अभिकारक होगा।
अभिकारक हाइड्रोजन गैस क्लोरीन गैस दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं, अभिक्रियाएं करती हैं, मिलान करते हैं, परिवर्तन होता है। होता क्या है, H और H के बीच में बंध टूटते हैं, Cl और Cl के बीच में बंध टूटते हैं और एक नया बंध H और Cl के बीच में, H और Cl के बीच में बनता है, तो हमारा दो अणु HCl का प्राप्त होता है और लिख देते हैं 2HCl। इसको समझेंगे H2 plus Cl2 give that 2HCl, ये हमारा अभिकारक है, ये हमारा उत्पाद कहलाएगा। आज के लिए बस इतना ही, शेष हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। धन्यवाद।